नाला खाली बनाया, आगे का निकासी मिलेबे ने किया, जहाँ की नदी में जैसे गिरता है ना वो मिलेबे ने किया, यहीं तक बना के छोड़ा। दो चार बार उसको बोले, मुखिया भी बोले, मुखिया बोला उसका पैसा रोक के रखे, करने का काम नहीं इसका। हाँ क्या है? जब बारिश होता है तो पूरे डूबा डूब जाए, ऐसे ही डूबा डूब है रहता है, तो आने जाने में मतलब दिक्कत होता आने है। आने जाने में उतना दिक्कत है, कहने का काम नहीं है। तो कब से ऐसा स्थिति है इसका? ये हो गया हमको लगता है चौथा पांचवा साल। वो जनप्रतिनिधि एक बार ध्यान दिया थे, जैसा टकरा नाला बनाया कोई काम के नहीं हुआ, पानी हुआ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि आज तक नहीं देखा है। गाँव कौन सा? ग्रामपुर है, नंबर वार्ड है, आठ नंबर वार्ड है। हाँ मनोज रजक वार्ड है। रास्ता वहाँ से गीता यादव के घर से लेके वहाँ कौवा गस्तर वहाँ तक गया है, मेन रोड। बार मुखिया फर्स्ट बार बना था, हम लोग जमीन जो पहले कहता था कि होबे न करेगा रास्ता, ही बनबे न करेगा, तो इसमें मंत्री जी आया, चौधरी जी आया, तो कहा कि कैसे नहीं होगा, तो चौधरी जी यहाँ से वहाँ तक निकलवाया कि बना। कोई काम? कोई काम नहीं हुआ, सरकारी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। देखा कि पक्की सड़क या ऐसा अच्छा सड़क देखा? नहीं, आज तक अच्छा सड़क नहीं देखा। नहीं है, बस यहीं तक जो बना हुआ है। विकास तो अब देख ही रहे, जहाँ तक कि विकास का बात कर रहे हैं तो विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आजकल डिजिटल इंडिया बन रहा है, हर चीज अपने डिजिटल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का क्या है कि कुछ पब्लिक लोग का भी दोष है, कुछ जनप्रतिनिधि का भी दोष है, जो कि कभी ध्यान ही नहीं देते। कोई गलती है जो होता है तो हम लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या। हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से तो हमने भी देख लिया कौन योजना कहाँ से आया और किस तरह का काम हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जल नल, जो कि अभी बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा था, आज लगभग 1 से 1.5 साल हो गया और अभी तक यहाँ पानी नहीं आया है। और जहाँ तक सुनने की बात आई कि इसका पैसा भी निकल गया, जो कि 40 लाख का फंड था, और पूरा संग्रामपुर कुसमार पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो 8 नंबर वार्ड में है। पानी रहे या नल रहे या जल रहे या सड़क रहे, हर चीज़ का प्रॉब्लम 8 नंबर में सबसे ज़्यादा है, जो कि इसी वार्ड में कुछ भी नहीं किया जाता। मेरा नाम विशाल कुमार है।